Taxi! Taxi! कहाँ जाना है साहब? सुंदरनगर। साहब दूसरी टैक्सी ले लीजिए। क्यों भाई, आप क्यों नहीं जाएंगे? हाँ मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा, ये दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी तुम्हारी। अरे साहब भड़क क्यों रहे हैं, मुझे सुंदरनगर का रास्ता मालूम नहीं है। अरे भाई मैं तुमको रास्ता बताता हूँ ना, चलो चलो। अरे रुकना। अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो? हाँ यार थोड़ी देर हो गई, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सुंदरनगर। सुंदरनगर? हाँ। मुझे भी चेक नाके तक छोड़ सकते हो क्या? इस वक्त टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ आ जाइए आ जाइए। थैंक यू सो मच दोस्त। चलो ड्राइवर। ठीक है दोस्त निकलता हूँ, बाय गुड नाइट। दोस्त निकलता हूँ। ओके साहब, गाड़ी आगे से लेफ्ट लो या राइट? साहब सुंदरनगर का रास्ता बताइए ना। ये लो हमें अटकाकर खुद सो गए। अरे साहब साहब, अरे हमें रास्ता नहीं पता साहब साहब साहब, अरे उठिए साहब। अच्छा हुआ साहब आप लोग आ गए, मेरी टैक्सी में एक आदमी मर गया साहब। कहाँ? प्लीज आज भी तुम्हारे टैक्सी में बैठा, तभी इसकी तबीयत खराब थी क्या? नहीं साहब ठीक ठाक था। ठीक ठाक था? पर्स खाली है? कुछ नहीं है। कौन हो गया आदमी? सर लगता है हार्ट अटैक से मर गया। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक, ऐसा हो सकता है? अच्छा ये आदमी तुम्हारे टैक्सी में कितने बजे बैठा था? यही करीब रात के 1:30 बजे साहब, इसे सुंदरनगर जाना था। सुंदरनगर जाना था? अच्छा जब ये तुम्हारे टैक्सी में बैठा तो ये अकेला था, कोई और भी था इसके साथ में? एक आदमी और था साहब। कौन था वो आदमी? मालूम नहीं साहब, वो चेक नाके पे उतर गया था। दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे, कुछ सुना तुमने? नहीं साहब, लेकिन इन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे ये एक दूसरे को जानते हो। तुमने इसका चेहरा देखा था? अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाया साहब। एक बात और साहब, जब ये आदमी मेरी टैक्सी में बैठा तो उसके पास एक बैग भी था। और अब वो बैग गायब? हाँ साहब। मतलब ये खून उस बैग की वजह से हुआ है? होगा क्या उस बैग में? लेकिन सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये आदमी कौन है? हो सकता है एक दो दिन में इसके कोई रिश्तेदार या इसके गायब होने की कंप्लेन लिखवाने चले गए। प्लीज सर एक बात समझ में नहीं आ रही, किसकी मौत कैसे हुई? हाँ उसकी मौत हुई कैसे? लाश कहाँ पे? My God, काजल तो लोग बाहर खड़े हैं, उनसे पूछताछ करो, किसी ने कुछ देखा है क्या? फोन किसने किया था हमें? मैंने किया था। आप यहाँ क्या कर रहे थे इतनी सुनसान जगह पे? अकेली थी या और भी कोई था आपके साथ? अकेले ही था, गाड़ी खराब हो गई थी अचानक, मदद के लिए इधर उधर भटक रहा था कि ये बोरी दिखाई पड़ी।
किसी आदमी का हाथ लगता है। लाश को बोरी में बंद कर दिया है। सर, लाश को बोरी में से बाहर निकाल दें? नहीं, अभी रुक जा। पहले अच्छे तरीके से चेक कर लो कि लाश को यहाँ पे बोरी में बंद किया गया है या फिर कहीं और से लाके यहाँ पे लाश डाल दी गई है। निकल, जरा भाग के गाड़ी में जाओ और सफेद चादर लेके आओ। सर, बोरी में से हाथ निकला हुआ देखा, बेहोश होते होते बचा बस। देखिए, आपके नंबर की जरूरत पड़ेगी हमें। काजल, हेल्प करना। हाँ, आप तो जरा पीछे हट जाइए। सर, चादर बिछा दिया सर। ठीक है, जरा बॉडी उठा, लेके चलते हैं। रेडी? अरे बाप रे, लाश बहुत भारी है सर। अरे दो कदम चलना है यार। लाश को पहली बोरे में से बाहर निकालना चाहिए था ना? नहीं नहीं, चादर में निकालेंगे। बोरी के अंदर क्या है ठीक से पता चलना चाहिए। पूरा हलवा बना के रखा है फेस का। सर, देखा नहीं जा रहा है। ये पूरी बोरी काट दो। इसके कपड़ों पर तो बिल्कुल भी खून नहीं लगा हुआ है। वही देख रहा हूँ मैं। चेहरे पे खून है, बॉडी पे खून नहीं है। ऐसा लगता है इसकी मौत के बाद इसका चेहरा खराब किया गया है। नहीं तो बालों में खून होना चाहिए। खून तो बालों में भी नहीं है। सर, जेब वगैरह बिल्कुल खाली है, कोई आईडी कार्ड भी नहीं है। ऐसा लगता है लूटने के लिए खून किया गया है। हो सकता है, जगह भी काफी सुनसान है। बॉडी पे चोट का निशान नहीं है तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? सालू के साहब, 20 मिनट हो गए खड़े खड़े, कुछ बताएंगे भी कि लाश के मुंह में टॉर्च घुसा के कौन सा खजाना ढूंढ रहे हो? अरे थोड़ा सबर करो ना यार। अरे कुछ तो बता दीजिए डॉक्टर साहब, नहीं ये चिल्लाता ही रहेगा। कम से कम यही बता दीजिए कि इन दोनों की मौत हुई कैसे? जहर से। पर सालुन के सर, अगर इन दोनों की मौत जहर से हुई है फिर बॉडी नीली क्यों नहीं पड़ी? कितने दिन हुए तुम्हें सीआईडी में आए हुए? नया नया आओ ना अभी तो। बच्चे, कुछ दिन और सीआईडी में रह जाओ, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि हर जहर से लाश नीली नहीं पड़ती। कोई खास तरीके का जहर है? हाँ बॉस, यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये जहर है क्या। सर, मेरे पास एक आइडिया है। तुम रहने देने यार। अरे एक बार सुन तो लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। अरे सुन लीजिए डॉक्टर साहब, नहीं तो इसका पेट दर्द करता रहेगा। ठीक है, सुन लेते हैं। हाँ बोल। पहले इन दोनों का पेट चेक कीजिए, शायद खाने में कुछ मिला के दिया होगा। रेडी सर, सबसे पहले हमने वही चेक किया था, खाने में जहर नहीं है। क्या, खाने में जहर नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अब सर, अब बस रहने दो तुम। एक बात है अभिजीत, बस मुझे लगता है इन दोनों आदमियों का खूनी कोई एक ही है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? इन लोगों के सिम्टम्स देख करके। देखो, ये देख रहे हो, इसका गला सूजा हुआ है। इधर आओ। ये देखो अभिजीत, इसका भी गला सूजा हुआ है और इन दोनों को ही जहर देकर के मारा गया है। एक बात और, एक मिनट ठहरो।
ये क्या है? ये पान का टुकड़ा है बॉस, और ऐसा पान का टुकड़ा मुझे दोनों लोगों के मुंह में मिला है। पान? दोनों पान खाते थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जहर पान में ही हो? अरे वही तो पंगा है बॉस, इस पान में भी मुझे जहर नहीं मिला। ये क्या चक्कर है? जहर खाने में नहीं है, पान में भी नहीं है, तो फिर इन दोनों ने जहर लिया तो लिया कैसे? अरे यार वही पहली तो सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो सब आप ये पहली बैठ कर सुलझाते रहिएगा, पहले आप इस आदमी की आइडेंटिटी तक पहुंचा दीजिए। इसका चेहरा कब बनाएंगे आप? अभिजीत, इसका चेहरा बनाना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? इसके चेहरे की सारी हड्डियां टूट गई, ये जबड़े की और गालों की हड्डियां भी चकना शुरू हो गई। हाँ, सिर्फ दाएं गाल की दो एक हड्डी बची है बस। तो दो हड्डियों से कुछ तो चेहरा बन जाएगा ना? और सिर्फ एक तिहाई चेहरा बन सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप एक तिहाई बना दीजिए ना। अगर ये आदमी सुंदरनगर जा रहा था तो हो सकता है कि ये सुंदरनगर में ही रहता हो। एक काम करते हैं, सुंदरनगर चलते हैं, वहां आसपास किराने वाले, जितने भी दवाई वाले, भाजी वाले, सबसे पूछते हैं, कोई तो पहचानता होगा इसे। इसमें आपकी दुकान है ये? जी हाँ। जरा ये फोटो देखिए, इस आदमी को पहचानते हैं क्या? क्या हुआ इसे साहब? इसका खून हो गया है, जानते हैं आप इसे? जी बहुत अच्छी तरीके से। इसका नाम बिरजू है, हमारे यहाँ से तो महीने भर का राशन लिया करता था। अच्छा, तब तो आपको मालूम होगा इसका घर कहाँ है। साहब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो दाहिने हाथ में एक गली पड़ेगी, उसी में 18 नंबर प्लॉट। अच्छा, 18 नंबर प्लॉट। जी हाँ साहब, वहाँ एक बिजली का खंभा भी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देविका? ये दुकान वाला तो बता रहा था यहाँ बिरजू रहता है, पर यहाँ तो देविका लिखा है। सो हो सकता है देविका बिरजू की माँ हो या फिर बीवी। बीवी का गुलाम लगता है। फ्रेडी, तुम भी तो बीवी का भक्त हो। अरे मैं तो। दरवाजा खोले तो देखो घर में कोई है क्या। देविका जी, देविका जी, नहीं है सर। नहीं है सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिरजू का खूनी देविका को अपने साथ लेके गया? किसमें हिम्मत है मुझे उठाकर ले जाने की, मैं भी तो देखूं जरा। और आप लोग मेरे घर में कैसे घुस आए, कौन हो आप लोग? आप देविका जी? जी बिल्कुल, मैं ही देविका हूँ और इस घर की मालकिन। लेकिन आप लोग कौन हो? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? यहाँ पे बात क्या है? बात तो बहुत दुख की है लेकिन बताना पड़ेगा। एक्चुअली बिरजू का खून हो गया है। क्या बिरजू मर गया? जी हाँ। क्या क्या रिश्ता क्या था आपका बिरजू के साथ? जी बस वो हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट था। अच्छा, हाँ, किस कमरे में रहता था बिरजू? जी वो ऊपर वाले कमरे में रहता था। अच्छा, लेकिन रेडी जरा ऊपर जाके देखो कुछ मिलता है क्या। ये बिरजू को आखिरी बार कब देखा था आपने? सर परसों। हमें लगा हर रोज की तरह कल भी देर से आएगा, लेकिन सर वो आया ही नहीं। ये बिरजू रोज रात को घर देर से आता था? जी बिल्कुल, इसीलिए हमने उसे अपने घर की डुप्लीकेट चाबी दे दी थी। सर एक चौंकाने वाली चीज हाथ लगी है। क्या फ्रेडी? ये देखिए सर, पूरे 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख रुपए? ये बिरजू काम कहाँ करता था? जी मालूम नहीं, बस इतना जानते हैं घर के बाहर से ऑटो पकड़ता था और चला जाता था। ऑटो से? घर के आसपास जितने भी ऑटो वाले हैं सबसे पता करते हैं। किसी को तो मालूम होगा इसका ऑफिस कहाँ है।
से देखिए, क्या आपने इस आदमी को पहले कहीं देखा? हाँ हाँ, इन्हें तो रोज रात को मैं अपनी ऑटो में बैठाता हूँ। देखा ना, वेरी गुड। अच्छा तुम इन्हें रोज इनके घर से लाते थे क्या? नहीं, घर से लेकर नहीं जाता हूँ, बल्कि रात को घर वापस लेकर वापस लाते थे। कहाँ से लेके आते थे इन्हें? इनके नगर से। इनके नगर से? मतलब आप रोज इन्हें इनके नगर से यहाँ सुंदर नगर लेकर आते थे? जी, लेकिन बात क्या है? बात यह है कि इनका खून हो गया है और हम लोग सीआईडी से। खून? घबराइए मत, आप चाहें तो खूनी को पकड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। जी, आप जो कुछ कहेंगे मैं मदद करने के लिए तैयार। अच्छा, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है? जी नहीं। कभी तुम्हारे ऑटो में बैठ के मोबाइल पे बात कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? नहीं। अच्छा, किसी और से बात करते हुए देखा है इनको इनके नगर में? नहीं। अच्छा, ये इनके नगर में आते कहाँ से थे? किसी बिल्डिंग या बार वगैरह से बाहर आते थे क्या? नहीं, ये हमेशा हाईवे से ही ऑटो लेते। अच्छा, कोई खास चीज बता सकते हैं इनके बारे में? कोई आदत? आदत? हाँ साहब, जब भी ये मेरे ऑटो में बैठते थे इनके मुंह में पान होता था। पान के बड़े शौकीन थे। पान? बिरजू जब भी कभी इनके नगर से रिक्शा में आता था तब उसके मुंह में पान होता था। यस सर। सर, खूनी सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जो पान खाता है। पान तंबाकू खा के लोग इधर उधर थूकते रहते हैं सर। शायद इस खूनी के घर की दीवारों पर भी लोग काफी थूके होंगे। सिर्फ पान ही की बात नहीं फ्रेडी, कुछ और भी है। डॉक्टर सालुंके ने दूसरी लाश का पूरा चेहरा बना दिया सर। उसके उंगलियों के निशान अपने रिकॉर्ड्स के साथ मैच करके देखा तो ये आदमी निकला सर। इसका नाम अनुज है, पनवेल में रहता था। करता क्या था ये? एक चोर था सर। चोर था? चोर का खून हो गया? हाँ सर। सर, पुलिस स्टेशन में इसके नाम के कई केसेस दर्ज थे। चोरी के सिलसिले में कई बार जेल भी जा चुका है। सर, जैसे ये बिरजू देर रात घर आता था वैसे अनुज भी रात को देर से घर पहुंचता था सर। और वैसे भी ये बिरजू और अनुज, इन दोनों की लाशें इनके नगर के आसपास के इलाके में ही मिली है। हो सकता है सर ये बिरजू की तरह अनुज भी इनके नगर से ऑटो से घर जाता हो। हाँ सर, शायद ये दोनों पान भी वहीं से खाते हो। इनके नगर? वो क्या रहा इस इनके नगर में? छानबीन करनी पड़ेगी वहां के पान वालों की। यहाँ पे जितने भी पान वाले हैं सबको ये फोटो में दिखाओ। यहाँ पे कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है, इन लोगों को अच्छी तरीके से पता रहता है। यस सर। लगता है सभी पान वालों ने यूनियन बना दिया। हर कोई नाना की मुंडी हिला रहा है। चल चल के थक गया सर। अरे फ्रेडी, पैर की मालिश बाद में करवा लेना, अभी लगे रहो। एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए। कोई भी पान वाला जो भी हो सबसे पूछ के देखिए। सर, वो देखिए सर, वहाँ पर एक पान वाला है। हाँ चलो, इससे भी पूछ लेते हैं। क्या सर? अरे अंग्रेजी बोल रहा है। अरे साहब, क्या कहना है, आप तो पान खाने वाले लगते नहीं हो। अच्छा बताइए कौन सा पान हो? वो एक मिनट मैं बताता हूँ। ये फोटो देखो, देख के जो भी तुम्हारे दिमाग में आए सच सच बताना। इन लोगों को देखा है तुमने यहाँ पे अपनी दुकान के आसपास? हाँ साहब, ये सब तो आते रहते हैं। अच्छा, कब आते हैं, कितने बजे आते हैं यहाँ पे? रात को 11-12 बजे तक। इतनी लेट? वो कहा है ना साहब कि बहुत लोगों को खाना खाने के बाद पान खाने का चस्का होता है। अरे मगर यहाँ आसपास ना तो कोई घर दिख रहा है, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना ऑफिस है। यहाँ पे सुनसान इलाके में तुम्हारी दुकान चलती कैसे? अरे साहब, चलती नहीं, दौड़ती है। वो गली देख रहे हैं ना, वो गली से रात को 2-3 बजे तक पान खाने वालों की लाइन लगी रहती है। क्या हो सकता है सर उस गली में? अरे आप तो उस गली में जाने के लिए सोचिएगा भी मत मैडम। वो गली लेडीज लोगों के जाने के लायक नहीं है। वो क्यों? वो कहा है ना साहब, वो गली में जितने लोग भी वो गली से आते हैं सब मवाली और गुंडे टाइप के लोग होते हैं।
कोई भी शरीफ इंसान उस गली में जाने के पहले 100 बार सोचता है। फिर तो उस गली में चल के देखना पड़ेगा। सर, वो पान वाला बिल्कुल ठीक कह रहा था कि गली कुछ गड़बड़ लगती है। गार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दे रहा है जो उसके कान में कुछ खुसुर फुसुर कर रहा है। सर, लगता है कोई खुफिया पासवर्ड है। सर, इसका मतलब अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। सर, मैं तो कहता हूँ रेड मार देते हैं। निखिल, रुक जाओ, ज्यादा उतावलापन ठीक नहीं। मैं जानता हूँ खुफिया पासवर्ड क्या है। मेरी जिंदगी खाब। अरे 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 अरे, क्या कर रहे भाई? खड़ो खड़ो। अरे मैं गिरा ही कब था? जो उठ जाओ, चल हट, मुझे अंदर जाना है। अबे इस हालत में जुआ खेलेगा? अबे हारेगा ही हारेगा। जुआ? मैं जुए में कभी हारता नहीं हूं। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, लाइन में लग पीछे चल। मछली जल की रानी है, जापान गई मेरी नानी है। मुझे अंदर जाने दो। हटो। पासवर्ड बता गया, पासवर्ड बोल। चल पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड? इसके लिए पासवर्ड लगता है? चल फूड ले चल, तेरा बहुत नाटक हो गया। चल वट, चल निकल चल। जब तुझे जोर से लगेगी ना तो बाथरूम नहीं मिलेगा, मुझे याद कर लेना, समझे? हाँ चल फूड ले चल, निकल चल। आ जा, देख कहाँ से। तारिका, मैंने जिंदगी में बहुत कम लोगों को रेड पॉइजन से मरते देखा। क्या हुआ, रेट पॉइजन खा लिया इन लोगों ने? अरे नहीं नहीं अभिजीत, तुम शायद गलत समझ रहे हो। ये उस रेट पॉइजन से नहीं मरे हैं जिससे चूहे मारे जाते हैं। तो फिर? ये शायद उस रेट पॉइजन से मरे हैं जो चूहे के शरीर में होता है। एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं आप? चूहे के शरीर में तो वो बैक्टीरिया होता है ना प्लेग के, जिससे प्लेग फैलता है। जहर कहाँ से आ गया? एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें जहर कहाँ से आ गया। ये देखो, जहर यहां से आ गया है, जहरीले चूहे से जो अफ्रीका में पाया जाता है। इस चूहे ने काटा है इनको? लेकिन डॉक्टर साहब, हमने इनकी बॉडीज चेक की थी, चूहे के काटने का कोई निशान नहीं है, तो फिर मौत हुई कैसे? अरे यही तो समझ में नहीं आ रहा बॉस कि इनकी मौत हुई कैसे। कमाल करते हैं आप। आपको ये मालूम है कि चूहे के कारण मौत हुई है, आपको ये मालूम नहीं है कि मौत हुई कैसे? यार अभिजीत, तुम्हें इतना तो बता दिया ना कि दोनों की मौत एक ही किस्म के जहर से हुई है। ये बात तो है, एक ही किस्म के जहर से मौत हुई है, तो खूनी एक ही हो सकता है। आज बीच में टोकना नहीं के बस। ये बात है, आज बड़ा टेढ़ा हो रहा है। क्या बॉस, आज अब उनका देना है, जेब भर के लेके जाएंगे। तो जेब के क्या बात करे से, तारे वास्ते बैग मंगा दू। अरे आ गया। ओ भाई चंद्र, दरवाजा खोल खरगोश, देख अपुन के उस्ताद आइला है। कौन उस्ताद? आइला, तू अपुन के उस्ताद को नहीं पहचानता? तेरे को इधर रहने का ही नहीं रहने का है। तू गंगू अटेला को नहीं पहचानता है? कौन गंगू अटेला? अपुन नहीं पहचानता है। ओए ओ, मने नहीं जानता तू? मेरा नाम है गंगू के, गंगू अटेला। चल खोल दरवाजा। ठीक है, पासवर्ड बोल। ओ जी छोटे, बता दे पासवर्ड, बता दे। चल इधर। मछली जल की रानी है, जापान गई मेरी नानी है, तेरे को हो गई तसल्ली? ठीक है, जा सकते हैं आप लोग। मैं तो पढ़े क्या रहा से। लगता है यहाँ तो बहुत बड़े बड़े गेम खेले जाते हैं।
पहली बार आए लोग यहाँ पर, आज से पहले कभी देखा नहीं आपको। तो बोले तो मैंने भी आपको नहीं देखा से। अच्छा मजाक कर लेते हैं सर आप। वैसे आपको इस जगह के बारे में किसने बताया? अजी कहना क्या है जी, हमारा दोस्त कह रहा था कि इधर बड़े बड़े गेम होते हैं। बिल्कुल सही बताया था आपके दोस्त ने, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गेम होते हैं, लाखों के गेम होते हैं, लाखों के। तुम कौन हो? ये यहाँ के मालिक मिस्टर सुजीत, और मेरा नाम संदीप है, ये मेरे जीजा जी हैं। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते, ऑल द बेस्ट, वेलकम टू दिस कैसीनो। प्लीज अपना टेबल चुनिए और खेल शुरू कीजिए। थैंक यू सर। प्लीज चलो संदीप। सर लगता है सही जगह पे आए हैं, खूनी का राज यहीं पता चलेगा। क्या रे किधर जा रहे? अरे पान खाने जा रहा हूं। अरे सनी आज तो तुम्हारी किस्मत चमक गई। थैंक यू ऊपर वाले, अपना हाथ मेरे सर पर यूं बनाए रखना। दोस्त मैं जरा पान खा के आता हूँ। अरे सनी बैठो ना, पान यहीं आ जाएगा। अरे यार बैठे बैठे मेरे पैर अकड़ गए, अरे मैं ढीला होके आता हूँ यार। जल्दी आ, पान खाने जा रहा है, लगता है कुछ खतरा है। दोस्त मेरे पान का डिब्बा देना। दो मिनट सर। सॉरी सर पान का डिब्बा मिल नहीं रहा, आप थोड़ी देर रुकिए मैं ढूंढ के देता हूँ। कोई बात नहीं यार, तुम ढूंढ के रखना, मैं बाहर जाकर पान खा के आता हूँ। ठीक है ठीक सर। एक 13 नंबर का पान लगाना दोस्त। तो लगता है कुछ बड़ा गेम खेला जा रहा है। इस आदमी का पान अंदर से गायब हो गया, और ये पपलू पान की दुकान में पहले से ही मौजूद है। ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर इसका पान गायब किया ताकि ये यहाँ बाहर आके पान खाए? लगता तो ऐसे ही सर। और सर जी आजकल कैसे पत्ते आ रहे हैं? बस इक्का बेगम बादशाह आ रहे हैं। क्या बात सर जी। अरे अरे संभल के यार, संभल के भाई। हाँ नहीं ये लो, भाई माफ करना। ओके रुक जा। निकाल। क्या मजाक है, कौन हो तुम लोग? कोई मजाक नहीं है, हम तुम्हारी जान बचाने आए। मेरी जान को क्या खतरा है? और किससे? इस पान से। क्या पान से? हाँ। एक काम करो निखिल, इस आदमी को और पान को फॉरेंसिक लैब लेके जाओ। थैंक गॉड ये बच गया, अच्छा हुआ इसने पान चबाया नहीं। इन लोगों ने मुझे पान खाने ही नहीं दिया,
पान खा लिया होता तो हमसे नहीं, ऊपर भगवान से बातें कर रहे होते, समझे? क्या? पान खाने से मैं मर जाता? ऐसा क्या था उस पान में? मैं बताता हूँ ऐसा क्या था इस पान में। बॉस, चूना, कत्था, सुपारी, इलायची, गुलगत, जर्दे के अलावा भी ऐसा कुछ था इस पान में जो नहीं होना चाहिए। सर, मुझे कोई क्यों मारना चाह रहा था? जुए के अड्डे पे किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? नहीं सर। कब से जा रहे वहां पे? सर, पिछले 2 महीने से अपनी किस्मत आजमा रहा हूं। वैसे आज जीता हूं, पर इससे पहले हमेशा हार कर ही घर गया। आज जीते? तो ये बात है। ठीक है, आइंदा कभी ऐसे गैर कानूनी जुए के अड्डे पे मत जाना, समझे? ठीक है सर जी। निखिल, छोड़ दो इन्हें। सर, अब तो बताइए, ये कत्था, सुपारी और गुलकंद के अलावा क्या है पान में? बताता हूँ फ्रेडी। ये देखो बॉस, ये है इस पान में। ये क्या है? बाल। पान में बाल? हाँ, पान में बाल। एक मिनट। क्या हुआ सर? चूहा। चूहा कहाँ है? चूहा किधर है? चूहा? अरे चूहा है, कोई शेर नहीं है, डांस क्यों कर रहा है? जहरीला चूहा है सर, काट लेगा तो मेरी वाइफ विधवा हो जाएगी। अरे चुप कर यार, लैब में कोई चूहा नहीं। अभिजीत, ये वो चूहा है, वो अफ्रीकन चूहा जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। अच्छा, चूहे का बाल पान में? चूहे के बाल में जहर है? बस अफ्रीका में एक खास किस्म का पौधा होता है जिसमें ये जहर होता है, और जब कोई चूहा उस पौधे को चाटता है तो वो जहर उसके शरीर में सोता हुआ उस चूहे के बालों में आ जाता है। सर, क्या वो चूहा उस जहर से मरता नहीं है? नहीं निखिल, चूहे को कुछ नहीं होता, बल्कि जहर की वजह से ये चूहा दूसरे जानवरों के हमलों से बच जाता है। अच्छा, मतलब इन दोनों की मौत इसीलिए हुई है क्योंकि इनके पान में चूहे का बाल डाला गया था। करेक्ट। लेकिन डॉक्टर साहब, इनके पेट में और इनके मुंह में हमको कहीं भी वो चूहे का बाल तो मिला नहीं। हाँ यार, मैं भी तो इतनी देर से यही खोपड़ी लड़ा रहा हूँ कि आखिर वो बाल इनके शरीर में गायब कहाँ हो गया। सर, इन दोनों लाशों के गले तूजे हुए ना? तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाल इनके गले में जाके अटक गया हो? क्या बात है, वाह तारिका जी, है क्या डिटेक्शन किया आपने सालन के साहब? क्या 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 सोचा है, है? नहीं, मानना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा। हाँ, मान लिया। हाँ, चेक कर ले जी। देखो अभिजीत, खूनी बड़ा चालाक है सर, कितना दिमाग लगाया उसने, चूहे के बाल से दो दो खून कर दिए। और एक बात फ्रेडी, खून उन्हीं लोगों के हो रहे हैं जो लोग जुए में पैसे जीत रहे हैं। हाँ सर, बिरजू के घर से भी हमें 2 लाख रुपए मिले थे, कहीं ऐसा तो नहीं है पैसे उसने उसी जुए कड्डे जीते हों। सर, इस पपलू को पकड़ना चाहिए जिसने सनी के पान में चूहे का बाल डाला था। है कौन ये चूहा? एक काम करते हैं, इस चूहे के लिए एक पिंजरा बनाते हैं। ठीक है चल।
गुड इवनिंग सर। माई सेल्फ सुजीत, इस कैसीनो का मालिक। हाय। कैसे गुड इवनिंग, यहाँ पे आके तो मेरी शाम खराब हो गई। हमसे कोई गलती हुई क्या सर? किसी ने मुझे बताया कि यहाँ बड़ा गेम होता है, बड़ा। यहाँ पे लोग ये चिल्लर में खेल रहे हैं। ये लाखों का गेम आपको चिल्लर लगता है? चिल्लर ने तो क्या है, दिन में अगर 25-50 लाख में अगर हारूंगा नहीं ना, तो रात को नींद नहीं आती मुझे। सर आप बिल्कुल सही जगह पे आए, आपको बड़ा गेम खेलना है ना। हाँ? प्लीज आप मेरे साथ आइए। प्लीज आइए सर, इस तरफ। प्लीज सर बैठिए। वेलकम सर। प्लीज एक मिनट जरा। हेलो। अच्छा तो वो लोग अभी आ रहे हैं। ठीक है, मैं एक आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ओके। सॉरी मुझे जाना होगा। लेकिन आप नहीं, वो मेरी 10 करोड़ की डील होने वाली थी, शायद अब उसके लिए मुझे जल्दी वहां पे पहुंचना होगा। अगली बार खेलूंगा मैं यहाँ पे आके, है ना? क्या नाम बताया आपने? थैंक्स मिस्टर सुजीत। सुजीत, ओके ओके, आई विल सी यू लेटर। प्लीज, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अरे क्या हुआ साहब, टैक्सी लाकर दूं क्या? नहीं, वो मेरा ड्राइवर मुच्छर सिंह गाड़ी लेके आ रहा है। ओ ड्राइवर, बस आता ही होगा। ओ पान चाहिए साहब? साहब जब तक आपका ड्राइवर नहीं आता है तब तक ये पान चखिए। पान? ये बनारसी पान है साहब। वैसे तो मैं सिर्फ कलकत्ता पान खाता हूँ, मगर तुम इतना प्यार से खिला रहे हो तो ठीक है भाई। यस सर। बनारसी पान बहुत अच्छा है साहब, कमाल का पान है साहब। फिर मेरा ड्राइवर आ गया, मुक्खर सिंह। अच्छा हो, दोबारा आएंगे साहब, भूलेंगे नहीं। अब आइए, देर हो गया साहब। भाई साहब दोबारा आएंगे साहब। जरूर जरूर आऊंगा, शुक्रिया साहब। मुझे भूलेंगे नहीं आप? अरे नहीं बाबा। अरे देखो ना, अचानक है बेहोश हो गया, पता नहीं क्या हो गया। देखो ना मेरे साहब। अच्छा देखो तो, क्या हुआ मेरे साहब को? भाई साहब तो तुम्हारे गए। नहीं ना हो सकता, अरे हमारे साहब तो हमारे सब कुछ है, हमारे भाई बाप है साहब। अरे हमको मुचर बुला उतरे। ठीक है, पर होनी को कौन डाल सकता है? अरे कुछ तो करो भैया। देखो तुम साहब को लेके घर जाओ और हम
और हम इस बैग को लेकर जाते हैं। अरे आप हमारे साहब का बैग कहाँ ले जाते हैं भाई? मैंने कहा ना, सुनो तुम जिंदा हो, तुम तो मर गए थे। कभी सुना पान खा के शेर की मौत हो गई? ये बता कि जहरीले पान लोगों को किसके कहने पर देगा? बॉस, बॉस के कहने पर। कहाँ है तेरा बॉस? मेरा बॉस आने वाला है, यही आएगा वो। यही आएगा। शाबाश, तूने एक बार फिर से कमाल कर दिया। पैसों का बैग कहाँ है? ऐसे बुत बन कर क्या खड़ा है? पैसों का बैग कहाँ है? पैसों का बैग कहाँ है मैंने पूछा? पैसे यार। सीएडी? तो चूहे का बाल जब फांसी के फंदे से बचा नहीं सकता। सर आपका हाथ है यार, थोड़ा ऐसा लगा जैसे किसी ने गरम गरम लोहा मेरे कान में डाल दिया। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। तुम जैसों को तो सिर्फ दो ही चीजें सुधार सकती है, एक दया के हाथ का हथौड़ा या फिर फांसी का फंदा। तो बताओ, बताओ क्यों मारा तुमने बिरजू और अनुज को? बताओ। सर वो जुए में बहुत सारे पैसे जीत कर जा रहे थे सर। जो लोग पैसे जीत रहे थे तो काफी सारे लोग वहां पैसे हार भी तो रहे थे। उन लोगों के पैसे से कमाई नहीं हो रही थी तुम्हारी? सर वो सारा पैसा तो मेरे जीजा जी के पास चला गया था, सुजीत के हिस्से में, और उसकी अमीरी देखकर मुझे बहुत जलन हुआ करती थी सर। वैसे ये अफ्रीकन चूहे के बाल से मारना, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कहां से है? सब इंटरनेट से, वहाँ वहाँ बहुत सारी जानकारी आराम से मिल जाती है सर। इंटरनेट को बदनाम मत कर, ये जानकारी खून करने के लिए नहीं है। तुम लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया और चूहे का बाल पान में मिलाते रहे। और तू मिलाता था ना क्या? हाँ साहब, जो सबसे ज्यादा पैसे जीत के निकलता था उसके पान में मैं ही जहरीला बाल मिलाता था साहब। सबसे पहले बिरजू के पान में और फिर अनुज के पान में भी। सर ये मुझे भी वो जहरीला पान खिलाकर ऊपर पहुंचाने की पूरी तैयारी कर चुका था। ऊपर तो अब ये दोनों जाएंगे दया, ये दोनों जाएंगे अपने पापों का हिसाब जो देना है इन्हें। बस फांसी का ऑर्डर आने की देर है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।